शिक्षिका के प्रतिनियोजन को लेकर एचएम और बीईओ में ठनी। ये मामला एक शिक्षिका के प्रतिनियोजन का है जो ना मूल विद्यालय में रही ना ही प्रतिनियोजित विद्यालय में, फिर भी अधिकारी उसे अवैध तरीके से लाखों रुपया मानदेय भुगतान ना सिर्फ कर दिया है बल्कि अगली बिल के भुगतान की भी अनुशंसा कर दी है। मामला तब उजागर हुआ जब वरीय अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। दरअसल ये मामला पिपरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय दुबई गोट से जुड़ा हुआ है, जहां एक शिक्षिका सुभद्रा ठाकुर का प्रतिनियोजन प्राथमिक विद्यालय दुबियाही घाट में किया गया। जब यह मामला उजागर हुआ तो डीईओ के निर्देश पर पिपरा बीईओ ने प्राथमिक विद्यालय दुबियाही के एचएम पंकज ठाकुर से संबंधित शिक्षिका के अनुपस्थिति विवरणी सहित अन्य कागजातों की मांग की। मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब उक्त हेडमास्टर ने कहा कि सुभद्रा ठाकुर नाम की कोई शिक्षिका उसके विद्यालय में आज तक नहीं आई है और ना ही उसे वह जानता है। अब सवाल यह उठता है कि जब सुभद्रा ठाकुर ना तो अपने मूल विद्यालय में थी ना ही प्रतिनियोजित विद्यालय में, तो फिर किस आधार पर आज तक उसके मानदेय का भुगतान किया जा रहा था? ये तो जांच का विषय है। जांच चल रही है, देखना दिलचस्प होगा कि कब तक जांच पूरी होती है। सरमांग लाइव के लिए सुपौल से सुभाष कश्यप के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। हमसे मांगा गया स्पष्टीकरण, हमसे मांग की गई है कि सुभद्रा ठाकुर से संबंधित आप स्पष्टीकरण दें। मैंने स्पष्टीकरण दिया, हम सुभद्रा ठाकुर के विषय में कुछ जानते ही नहीं तो क्या देंगे, उसमें लिख दिए जो ये ऐसा स्पष्टीकरण की मांग की जाने तथ्य से ही एवं आधारहीन है। और वीडियो भी एक वायरल हुई जो प्राथमिक विद्यालय दुबियाही में एक शिक्षिका सुभद्रा कुमारी ठाकुर नाम के प्रतिनियोजन किया गया है, जबकि मैं 2006 से प्रभार में हूँ, तब से लेकर आज तक किसी भी सुभद्रा ठाकुर नाम की कोई भी शिक्षिका का यहाँ प्रतिनियोजन नहीं किया गया। बीओ साहब बहुत ज्यादा प्रेशर दिए हमारे ऊपर, जो कोई भी पत्रकार जाए तो आप बोल दीजिएगा 16-17 में सुभद्रा कुमारी ठाकुर नाम की थी, तो हम बोले हम क्यों देंगे, बोले नहीं कोई दिक्कत न है, तो पदाधिकारी है तो उसके अंदर हम रहते हैं, तू दे दे क्या करें, लाचारी दिए उसमें, हम तो नहीं जानते थे। जैसा बयान देने से ही मामला इतना हाईलाइटेड होगा, हमको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। तो आपसे जबरन बुलवाया गया, जबरन अब्सेंटी लिखाने के लिए तैयार था, 60 अब्सेंटी पे दस्तखत कीजिए, उसके बाद 3 प्रतिनिधि लेटर पे दस्तखत कीजिए, ऐसा भी किया गया मेरे साथ, जबकि मैं नहीं किया ऐसा। जब मामला पूरा तूल पकड़ लिया तो हमसे 60 अब्सेंट अनुपस्थित करने पे बोला गया जो आप दस्तखत कीजिए, इसपे 3 जो है सो डिप्टेशन का लेटर है विभिन्न विभिन्न पदाधिकारी का, वो रिसीव कीजिए आप, हम कुछ नहीं के द्वारा पत्राचार करके पंकज शर्मा से पूछा गया प्रतिनियोजन को लेकर के, तो सिरे से नकार दिया पंकज शर्मा ने। मेरे पास कोई ऐसा अभी तक नहीं आया है जो क्या नकारे हैं, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो लेटर था उस चीज को जो है तो हम लोग वहाँ इनसे स्पष्टीकरण पूछे थे, ये थे कि स्पेशल अलग से हम पत्र उनको नहीं दिए हैं, उसी पत्र में दिए हैं, और पंकज शर्मा क्या लिखते हैं मेरे सामने भी तो नहीं आया।